सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज हम आए हुए हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो कि दिल्ली में प्रगति मैदान में है। ट्रेड फेयर को करने वाले एक्सप्लोर, और आपको दिखाऊंगा कि नई नई क्या चीज़ें आई हुई हैं आज यहाँ पे। तो गाइज, काफ़ी सालों बाद मैं भी आया हूँ यहाँ पे। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज चलते हैं, करते हैं एक्सप्लोर। तो गाइज फाइनली एंट्री हो गई हमारी, आई मीन मेरी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं, बढ़ते हैं आगे और करते हैं एंट्री अंदर। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो गाइज एंट्री भी हो गई है, चेकिंग हो गई है हमारी यहाँ पे, और अब चलते हैं आगे मेन पॉइंट पर। गाइज ये कुछ अलग मुझे कुछ डिफरेंट दिखा यहाँ पे, तो आज इसके बारे में भैया मुझे बताएंगे कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या जो भी है। तो आइए भैया बताइए। भैया ये मेट्रो कोचेस हो गए, ओके, ये टिकट काउंटर हो गया, अच्छा, इधर ये फुट ओवर ब्रिज हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गए, इधर हमारे बहुत सारी हमारी कलर सीट भी आती है, पीवीडी कलर सीट भी है, अच्छा, इधर ये बस स्टैंड भी हो गया, अच्छा, इधर ये टॉयलेट। जो ये एक मॉडर्न कल्चर वाला, मतलब मॉडर्न डिजाइन सारा कुछ स्टील का इनका यहाँ पे स्टील का सारा काम है। तो ये देखे बस स्टैंड भी है स्टील में ही इन्होंने, ये देखिए, तो काफी मतलब इम्प्रूवमेंट। तो गाइस देखिए ये सब चीजें यहाँ पे स्टील का ही, यहाँ पे सारा आइटम, मतलब इनका प्रोजेक्ट ये स्टील में ही है, ये देखिए गाइस। ये फुट ओवर ब्रिज, ये गाइस ये फुट ओवर ब्रिज है, ये पूरा स्टील का, ये इलेक्ट्रिक पोल है। तो भैया इसमें इलेक्ट्रिक पोल मींस मतलब ये लाइट्स के लिए है। हाँ जी लाइट्स। अच्छा, तो गाइज ये लाइट्स के लिए है। और आगे ये मेट्रो कोचेस हो गए डिब्बे। तो गाइज ये देखिए मेट्रो कोचेस पूरी स्टील जी। ये देखिए कितना शानदार बनाया हुआ इन्होंने, बहुत ही शानदार। ये देखिए गाइज, मतलब ऑल ओवर स्टील का ही इन्होंने इसमें यूज किया है। देखिए ये सारी बेंचेस है पार्क में, बहुत ही सुंदर। ये देखिए बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे सेटअप बनाया हुआ अपना। सो गाइस स्टील का प्रोजेक्ट तो हमने देख लिया है कि स्टील से क्या क्या ये बना रहे हैं यहाँ पे। मुझे काफ़ी शानदार लगा यहाँ पे ये सब चीज़ आके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाइस, गाइज आ गए हम, एंटर कर चुके हैं इधर। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या ये GST एंड कस्टम्स पवेलियन। तो चलते हैं गाइज।
क्या चीज देख रहे हैं आप? ट्रेडिशनल परफ्यूम। ओके, तो कैसा है ये? मतलब बढ़िया भाई, अच्छी खुशबू है। अच्छा, तो देखिए गाइस, काफ़ी अच्छी, मतलब इनकी बता रहे हैं भैया, काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है। तो क्या क्या ये आइटम है भैया आपके पास? ये देखिए, रूह खस है, गुलाब है, अच्छा फितरत है। अच्छा, तो ये गाइस देखिए, ये कुछ इत्र है, ये परफ्यूम्स हैं। तो ये देखिए गाइस, बहुत ही मतलब बहुत ही छोटे उसमें हैं, बट काफ़ी अच्छी खुशबू बता रहे भैया इनकी। तो गाइस, कुछ ये बच्चों का आइटम दिखाया, चीज़ का स्टॉल लगाया भैया। क्या लगाया? ये देखिए बच्चों की काफ़ी अच्छी अच्छी आइटम्स हैं यहाँ पे भैया के पास। ये वुडन सारी लकड़ी का आइटम, मतलब ट्रेडिशनल है ये सारी। मतलब जो बचपन में हम गाइस, ये देखिए बहुत ही सुंदर आइटम है ये। देखिए भैया, देखिए ये लट्टू की याद आ गई इसे देख के हमें। 90s में बच्चे लट्टू चलाते थे और मेरे ख्याल से आज भी चलाते हैं। तो देखिए गाइस, ये की चेन्स भी ये सारी वुडन में मिल जाएंगी। ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छी आइटम है यहाँ पे। बस स्टार्टिंग से ये 40 रुपीज से स्टार्टिंग है। ये देखिए गाइस, अच्छा ये क्या चीज़ है भैया? ये हट है। हटे? अच्छा, तो मतलब आर्ट, आर्ट के लिए है ये? अच्छा, तो मतलब काफ़ी मतलब यूनिक सी मुझे चीज़ें लगी भैया के पास। ये देखिए, आके आप देख सकते हैं इन्हें, बहुत ही सुंदर, मतलब एक ट्रेडिशनल, जिसे जो मतलब हम पहले 90s में वुडन का सब चीज़ यूज़ किया करते थे, तो आज भी मतलब कहीं ना कहीं वो यहाँ इंडिया में है। सो गाइस, मतलब ये चीज़ें देख के मेरे को अभी भी इतना, मतलब इंडिया में अभी भी लोग अपने पूरे रीति रिवाज से अभी भी टच है। तो गाइस, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऐसी ऐसी मैंने मुझे देखने को मिली है काफ़ी सालों बाद। मतलब मैं जब बचपन में मैं छोटा हूँ ना, तो ही मैंने उन्हें मतलब देखी होगी। तो गाइस चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आगे। ये देखिए गाइस, कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं ये। ये देखिए, ये मधुबनी आर्ट्स भैया ने का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस, काफ़ी बड़ा है ये प्रगति मैदान, तो यहाँ पे अभी घूमने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होगा। तो चलते हैं अभी जल्दी, फटाफट एक्सप्लोर करते हैं और भी काफ़ी कुछ देखना है गाइस।
ये देखिए ये सब मिट्टी के आइटम्स हैं, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर बनाए हुए भैया ने, ये देखिए कितना अच्छा आर्ट्स है यहाँ पे। देखिए गाइस बहुत ही अच्छी आर्ट्स के मास्क भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। गाइस काफ़ी मतलब इंडियन कल्चर काफ़ी देखने को मिला है यहाँ पे, मतलब ड्रेसअप और आर्ट यहाँ की काफ़ी खूबसूरत बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मैंने देखी है और अभी देख ही रहा हूँ गाइस और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, तो गाइस देखिए ये सारा ग्रास का आइटम है, ये देखिए गाइस, ये मैट और ये बैग हैंड बैग और ये देखिए फुल मैट है ये, और ये देखिए गाइस कैप भी यहाँ पे ये ग्रास की बनी हुई है, टचवुड आइटम्स है यहाँ पे सारे। तो गाइस मतलब काफ़ी, तो गाइस काफ़ी अच्छी अच्छी मतलब मैंने यहाँ पे अपने इंडिया का कल्चर देखा है, इस तरीके से यहाँ पे पूरा इंडिया का कल्चर यहाँ शो हो रहा है। तो गाइस आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अलग ही सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, पूरे मतलब इंडिया की हर स्टेट का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है और सब अलग अलग स्टेट से यहाँ पे अपना अपना जो भी आर्ट है वो हुनर है उनका वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। गाइज ये सारा आइटम लेदर का है, ये देखिए गाइज कितना अच्छा एलिफेंट है, ये देखिए गाइज बहुत ही सुंदर लगता, तो ये ऐसे लग रहा है कि मुझे ऐसे लगा कि ये वुडन का पीस है बट ये लेदर का, इन्होंने लेदर की आर्ट बनाई हुई है गाइज, बहुत ही सुंदर आइटम है ये देखिए। सो गाइज ये देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर आइटम, काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमल्स ये सुंदर सुंदर बनाए हुए हैं भैया ने अपनी आर्ट से, ये लेदर से, तो गाइस काफ़ी अच्छे हैं ये, आप आके एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो और ले सकते हो। भैया क्या स्टार्टिंग है इनकी, क्या रेंज है? 300 से स्टार्टिंग है। तो गाइस ये 300 से स्टार्टिंग है इनकी रेंज, तो आप आके बाय कर सकते हो, देख सकते हो। हाँ जी, सबसे छोटा एनिमल है इससे है, की चेन्स भी अवेलेबल है इनकी, ये देखिए गाइस। तो गाइस चलते हैं यहाँ से बाहर, अभी यहाँ तो एक्सप्लोर कर लिया है, अभी बाहर देखते हैं और तो गाइस कुछ और जगह एक्सप्लोर करते हैं यहाँ से, तो चलते हैं बाहर, बने रहिएगा मेरे चैनल पर। अफगानिस्तान, वेलकम टू अफगानिस्तान। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, तो चलते हैं अंदर। तो गाइस देखिए ये अफगानिस्तानी ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पर, ये देखिए गाइस बिल्कुल अलग डिफरेंट। अखरोट क्या रेट है? 1600 किलो। 1600 किलो, 6000 नो बार्गेन है। अफगानिस्तान में तो काफी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर, देखिए सारा ड्राई फ्रूट का आइटम यहाँ पे मिलेगा, आप आगे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं एकदम डिफरेंट आइटम है यहाँ पे सारी। अच्छा ये चिलगोजा है, ये अफगानी खजूर है, अच्छा ये अफगानी पिस्ता है, ओके अफगानी ड्राई मैंगो, अफगानी कीवी, ड्राई कीवी, ये बादाम अफगानी, मामरा मामरा बादाम, मामरा बादाम अफगानी, ये अफगानी बादाम, ये देखिए आप वॉलनट है, ये आप इसकी प्योरिटी देख लीजिए। गाइस ये देखिए क्वालिटी देखिए वॉलनट की, देखिए वॉलनट की क्वालिटी, ऑयल देखिए मेरे हाथ में, तो मतलब काफ़ी ऑयली,
ये जॉइंट्स के लिए बहुत बहुत बेनिफिट देते हैं इसके ऑयल। अच्छा, तो भैया क्या प्राइस है इनका? ये है 1800 रुपए किलो। तो गाइस ये 1800 रुपए किलो है, मतलब इतना बेस्ट, बिल्कुल बहुत ही बेस्ट आइटम है। तो गाइस टेस्ट करके देखते हैं हमें कैसा लगा। मुझे तो गाइस इसकी ओरिजिनलिटी देखें, देखें कितना, मतलब इतना ऑयल है, पूरा ऑयली। ये देखें गाइस, आप देख सकते हैं इनके नेल्स पे भी और फिंगर्स पे भी कितना ऑयल। देखो पूरा शाइन, एकदम प्योर आइटम है इनके पास ये। तो गाइस आके आप यहाँ से ले सकते हैं, और ये इनका कार्ड है, होम डिलीवरी कर सकते हैं, हम करते हैं ऑल ओवर दिल्ली, फ्री होम डिलीवरी है हमारा कार्ड है। अच्छा, तो कहाँ पे आपकी दिल्ली में, कहाँ पे आपकी? हाँ, साउथ दिल्ली भोगल। तो गाइज इनकी शॉप साउथ दिल्ली भोगल में है, तो आप वहाँ भी जाके आप बाई कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। तो गाइज सारी तो आइटम बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स की ही भरी पड़ी है, भरमार है। ये देखिए गाइज, ये देखिए, मतलब डिफरेंट है, अफगानिस्तानी स्टाइल में भैया वो कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये देखिए गाइज, ये सारा आइटम मार्बल में बना हुआ है। हमारा ट्रेडिशनल गांधी जी का चरखा ये है। सो गाइस ये सारा यहाँ पे फूड कोर्ट है, फूड का ही डिपार्टमेंट है। यहाँ देखिए गाइस सारा जो भी यहाँ पे आप आते हैं तो खाने पीने का यहाँ सारा अवेलेबल है। आइसक्रीम है यहाँ पे खाने के लिए, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे। गाइस ये लिट्टी चोखा है, कहाँ से? बिहार से। ये बिहार से लिट्टी चोखा है, देखिए गाइस, आप आके यहाँ पे आके इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये देखिए, ये लिट्टी, इसको लिट्टी बोलते हैं, लिट्टी बोलते हैं इसको, और इनके साथ ये चीज़ें खाई, मतलब इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ होता है। ये क्या भैया, इसको क्या? बैंगन, ये बैंगन के चोके के साथ ये लिट्टी खाई जाती है, लिट्टी चोखा। तो मतलब अलग अलग डिफरेंट आप यहाँ पे सारी स्टेट की आप फूड एक्सप्लोर कर सकते हो, और यहाँ पे आके उसका एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस ये सारा बिहार का आइटम है यहाँ पे, मतलब लिट्टी चोखा का एंजॉय कर सकते हो। अगर जो आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, तो आप यहाँ प्रगति मैदान में आके लेट ट्रेन में तो आप एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस ये लोंग लद्दा है, तो इसमें क्या होता है भैया? तो इसमें मावा होता है, किसका बना हुआ था ये? अच्छा, ये मैदे और खोए से बना होता है, तो आप इसका भी टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे आके। और ये क्या चीज है भैया? गाजा मिठाई है। कौन सी? गाजा। तो गाइस ये गाजा मिठाई है, तो ये भी कुछ डिफरेंट ही आइटम है यहाँ पे, आप इसको आके टेस्ट कर सकते हैं। देखिए गाइस, मतलब पब्लिक रूट के हाईवे यहाँ पे भी, और मतलब फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे सब, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं। तो जैसा कि अब हम ये देखिए गाइस, छोले भटूरे। सो गाइज जो नॉन वेज के शौकीन है वो
भी यहाँ पे आके अपना शौक अपना मतलब एंजॉय कर सकते हैं। नॉन वेज भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखिए गाइस सारी मतलब आप जो नॉन वेज के ज़्यादा शौकीन हैं तो देख सकते हैं क्या क्या वैरायटी है यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए कुछ आइटम बनाई गई भैया ने, मटन गलौटी है तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये टिक्की है तो कुछ टिक्की का ही आइटम इन्होंने मटन से बनाया हुआ है। तो गाइस आके आप जो शौकीन है मटन के शौकीन है तो चेक कर सकते हैं, इसका टेस्ट ले सकते हैं। भैया ये इनका स्टॉल है यहाँ पे, ये सारा चिकन और मटन की वैरायटी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी, आप यहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हैं। और गाइस ये चिकन बिरयानी, तो गाइस ये चिकन बिरयानी है और आप देख ही सकते हैं कितनी लजीज लग रही है, टेस्टी लग रही है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं मतलब हर तरह का फूड। तो गाइस ये आइटम बड़ी मतलब आजकल बड़ी फेमस हो रही है, बड़ी मशहूर हो रही है ये आइटम। भैया क्या है ये? तो गाइस ये देखिए मतलब ये नेचुरली फ्रूट्स की आइसक्रीम है ये। तो ये देखिए चला कर हल्का चलाओ जो तो बढ़िया लगे।